हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही होगी, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेस्ट बना रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ नीट और जेई मेंस की PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और उसके पिछले लेक्चर में हमने उसके बाद के लेक्चर में हमने पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स यानी कि पॉलीहैलोजन यौगिक क्या होते हैं। देखिए, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स बोर्ड की दृष्टि से, अगर बोर्ड के हिसाब से सिलेबस से देखा जाए तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम एक फाउंडेशन लेके चल रहे हैं जिसमें नीट्स, जेई और ट्वेल्थ ये तीनों चीज़ें टारगेट होती है, इसलिए हम पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं। और पूरे चैप्टर को हम डिटेल मैकेनिज्म के साथ, हर रिएक्शन की जिस रिएक्शन की मैकेनिज्म बतानी चाहिए उस रिएक्शन की मैकेनिज्म के साथ हम पढ़ाते हैं। तो कल यानी पिछली वीडियो जो है आपको मिली, जो वहाँ तक का जो सिलेबस था एक चैप्टर का, वो कवर हुआ, जिसमें एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस एक चैप्टर से आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो किसी किताब फाउंडेशन की बुक हो, PYQ हो उसको हल कीजिए, किसी एंट्रेंस एग्जाम का PYQ हो, जो आपका टारगेट है उस टारगेट के PYQ को इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं हल कीजिए। जो नहीं आते हैं उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, जिसका सलूशन तुरंत आपको मिलेगा, तत्काल आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। लिंक टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास को। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, जिसमें 5 से 6 एग्जांपल्स मैंने बताए। जैसे एक मैंने बताया DDT क्या होता है, जो फेमस एग्जांपल है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है फेमस एग्जांपल है, और इसी तरीके से फेरियान क्या है ये भी फेमस एग्जांपल है। देखिए, एग्जांपल मैंने 5-6 बताया था, लेकिन उसको उसमें से 3 एग्जांपल को मैंने डिटेल्स में जो है बताया और उसकी थ्योरेटिकल पार्ट को भी समझाया, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसलिए इसको समझाया गया। आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल फिनाइल एंड ईथर। हालांकि आप NCERT बुक के अकॉर्डिंग, क्लास 12th NCERT बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 11 है, और इसके पिछला जो चैप्टर कम्प्लीट हुआ वो चैप्टर नंबर 10 था, वो चैप्टर नंबर 10 था, ये है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अल्कोहल फिनाइल एंड ईथर। आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, तो ये देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फिनाइल एंड ईथर, अल्कोहल फिनाइल तथा ईथर का परिचय। दूसरा टॉपिक टारगेट किया जाएगा, जिसको जो टॉपिक ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनाइल। देखिए, अल्कोहल और फिनाइल की बहुत सी प्रॉपर्टी है जो सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी, क्लासिफिकेशन भी, इसलिए हम अल्कोहल और फिनाइल को साथ में लेके पढ़ेंगे, ईथर को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनाइल, अल्कोहल और फिनाइल का वर्गीकरण इसको पढ़ेंगे। तो 2 टॉपिक होगी आज के टारगेट में। तो सबसे पहला है अल्कोहल तथा फिनाइल का परिचय। अब देखिए, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, तो अल्कोहल का मतलब ये है कि जब किसी एलिफैटिक यौगिक से, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, एक हाइड्रोजन परमाणु या उससे अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एक या उससे अधिक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा, OH समूह द्वारा, OH ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार बना कंपाउंड्स अल्कोहल होता है, या इस प्रकार बना कंपाउंड्स अल्कोहल कहलाता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु OH ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूट होगा तो अल्कोहल होगा, लेकिन जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कोई हाइड्रोजन एटम किसी हाइड्रॉक्सिल, एक हाइड्रॉक्सिल या 10 हाइड्रॉक्सिल या 4 हाइड्रॉक्सिल, कितने भी हाइड्रॉक्सिल समूह, उसके द्वारा जब हाइड्रोजन परमाणु सब्स्टिट्यूट होगा तो वह फिनाइल होगा, वह क्या होगा, फिनाइल। तो पहले यही बताया गया आपको, जब एलिफैटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कोई हाइड्रॉक्सिल समूह, कोई हाइड्रॉक्सिल, कोई हाइड्रोजन परमाणु
हाइड्रॉक्सिल समूह मतलब OH, हाइड्रॉक्सिल समूह का जो प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप होता है वह होता है OH द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो क्रमशः अल्कोहल तथा फिनाल बनते हैं। अब नोट में एक बात लिखी गई है, क्या है, इंपॉर्टेंट है ये बात पहचान की दृष्टि से, कैसे पहचानेंगे कौन अल्कोहल और कौन फिनाल है। तो अल्कोहल में एक अथवा अधिक हाइड्रॉक्सिल यानी कि अल्कोहल में एक अथवा अधिक हाइड्रॉक्सिल OH समूह एलिफैटिक तंत्र से, एलिफैटिक तंत्र का मतलब खुली श्रृंखला हो, जैसे देखिए ये अल्कोहल है CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CHOH CH3, या CH3C CH3, उसके बाद OH, ठीक है, या ये जो है ये भी आपका अल्कोहल है, या ये है ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये सब आपके अल्कोहल है। तो एलिफैटिक तंत्र होगा, एलिफैटिक स्पीसीज होगी, उससे हाइड्रोजन परमाणु अगर उससे अगर कोई उसके कार्बन से अगर कोई OH जुड़ा है, ठीक है, तो वह क्या होगा, वह होगा फिर अल्कोहल, वह क्या होगा अल्कोहल होगा। और फिनाल की बात की जाएगी तो जब ये एरोमेटिक तंत्र हो जाए, जैसे एरोमेटिक का सबसे सही और सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेंजीन है, तो अगर बेंजीन रिंग से, बेंजीन तंत्र से, बेंजीन स्पीसीज से, बेंजीन सिस्टम से अगर कोई हाइड्रोजन परमाणु OH द्वारा सब्स्टिट्यूट होता है डायरेक्ट इससे, तो यह क्या होगा, यह फिनाल होगा, यह क्या होगा फिनाल। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, जब फिनाल में, जबकि फिनाल में हाइड्रॉक्सिल समूह एरोमेटिक तंत्र, एरोमेटिक तंत्र का मतलब बेंजीन, अभी आप बेंजीन लेके चलिए, लेकिन एरोमेटिक तंत्र बहुत से होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल बेंजीन ही एरोमेटिक तंत्र है। एरोमेटिसिटी एक पूरा चैप्टर है जो क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है, उसकी कंडीशन बताई जाती है, शर्त उसकी बताई जाती है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। तीन कंपाउंड्स वहाँ बताए जाते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, तो वहाँ बताए जाते हैं। एरोमेटिक के कार्बन परमाणु से सीधा जुड़े होते हैं तो क्या होते हैं, फिनाल होते हैं। अब देखिए अल्कोहल को एक जनरल फार्मूले में अगर हम याद करना चाहें तो CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो एलिफैटिक का हाइड्रोकार्बन होता है वह होता है CnH2n+2, इसी से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए OH जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल का एक जनरल फार्मूला बन जाएगा। वैसे 2H भी हट सकता है, 2 OH जुड़ सकता है, लेकिन एक सामान्य फार्मूला लिखा गया CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, और फिनाल का लिखा गया C6H5OH, तो ये अल्कोहल और फिनाल का एक सामान्य फार्मूला मिल गया आपको। एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे, ये एग्जाम्पल आपका अल्कोहल है, ये भी एग्जाम्पल अल्कोहल का है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल जो देख रहे होंगे इसको, ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जो कार्बन है उससे डायरेक्ट OH है, तो यह आपका क्या है, यह आपका फिनाल है, यह क्या है, फिनाल है। बाकी ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे अल्कोहल और फिनाल दोनों का अलग अलग हम कंडीशन देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन संभव हो सकते हैं। तो आप इस स्लाइड को पहले नोट कर लें, ये इंट्रोडक्शन की स्लाइड है, इस इंट्रोडक्शन में आप इतनी चीज़ें याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा अगला टारगेट है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल, यानी अल्कोहल तथा फिनाल का वर्गीकरण। देखिए हमने अल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, वहाँ पर भी हम अल्काइल हैलाइड्स को नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के आधार पर क्लासिफाई किया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर क्लासिफाई किया। हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह तीन पॉसिबिलिटी होती है कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की, एक होती है sp3, एक होती है sp2, एक होती है sp, ये इतनी पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए हम वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे तीन देखे थे, तो यहाँ भी हम हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे भी देखेंगे। तो ये आपकी टारगेट होगा आज का दूसरा टारगेट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, यानी इंट्रोडक्शन के टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। देखिए अगर आप कोई इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो आप चैप्टर के बारे में ये जान गए कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या है, और हम पहचानेंगे कैसे कि ये अल्कोहल है कि फिनाल है, ये पहचान जरूरी है जानना। हालांकि अल्कोहल को भी कहीं कहीं फिनाल ही मान करके, फिनाल को भी कहीं कहीं अल्कोहल मान करके ही पढ़ते हैं,
ठीक है, लेकिन अलग से ये देखा जाएगा कि हाँ ये फिनाल है। ठीक है, तो आपकी नई हेडिंग होगी क्लासिफिकेशन ऑफ, या मैं यहाँ हिंदी लिख दे रहा हूँ और इंग्लिश आप नोट कर लीजिएगा। एल्कोहल तथा फिनाल का वर्गीकरण। अब देखिए, एल्कोहल तथा फिनाल का वर्गीकरण में सबसे पहला क्या होगा भाई? सबसे पहला आधार है कि OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर, ठीक है, यानी हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर पहला ये होगा। दूसरा होगा संकरण के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, और किसका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा? कार्बन का। किसका? कार्बन का, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा COH, संकरण के, और कौन से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा? जो कार्बन OH से जुड़ा होगा, जो कार्बन हाइड्रॉक्साइड या हाइड्रॉक्सिल से जुड़ा होगा उसी को देखा जाएगा, यानी कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप, और बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड, ठीक है। तो ये दो तरीका है क्लासिफाई करने का, दो तरीका है क्लासिफिकेशन करने का। अब इसमें जो मिलेंगे आपको, इस वाले में ये आपको तीन मिलेंगे, ये तीन मिलेंगे, जिसमें पहला होगा मोनो, क्या होगा? मोनोहाइड्रिक। दूसरा होगा, ये पहला आपका है, दूसरा होगा डाईहाइड्रिक, तीसरा होगा ट्राईहाइड्रिक। अब देखिए, मोनोहाइड्रिक की पहचान क्या है? शॉर्टकट में याद रखिएगा, मोनोहाइड्रिक की पहचान है कि OH ग्रुप की संख्या एक हो, नंबर ऑफ OH जो है वह एक हो, पूरे स्पीसीज में, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH ग्रुप एक होना चाहिए, तो वह क्या होगा? मोनोहाइड्रिक होगा। दूसरा है, हम ट्राई को पाली भी लिखते हैं, हम पाली ही लिखें, ये बेहतर है, पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। तो देखिएगा, ये आपका हो गया OH एक हो, तो ये आपका मोनो हो गया। अगर OH ग्रुप की संख्या, OH ग्रुप का नंबर दो हो, तो यह आपका क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। और जब OH ग्रुप दो से ज़्यादा हो जाए, दो से ज़्यादा, तीन, चार, कुछ भी हो जाए, बस दो से ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक। उसको क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक। अब जैसे मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल क्या है, और हम दोनों पढ़ रहे हैं, एल्कोहल और फिनाल दोनों पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कंपाउंड्स बताइए जिसमें केवल OH एक हो। तो आप कहेंगे सर CH3OH, या कह सकते हैं सर CH3CH2OH, या कह सकते हैं सर CH3CH2CH2OH, ठीक है, या कह सकते हैं सर CH3CH CH3OH, ठीक है, या इसके बाद कह सकते हैं CH3C CH3OH CH3। ये आपके सब मोनोहाइड्रिक फिनाल हैं, या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं, फिनाल नहीं है, ये है एल्कोहल हैं। क्यों? क्योंकि ये तंत्र जो दिख रहा है आपका, ये कैसा है? एलिफैटिक है। एलिफैटिक से अगर OH होगा तो ये एल्कोहल होगा। अब फिनाल की बात की जाएगी तो ये हो गया फिनाल आपका, एरोमेटिक इसमें ले आए और उसमें एक OH जोड़ दीजिए, बेंजीन रिंग, इससे एक OH, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया फिनाल।
ऐसा भी हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो या ऐसे भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सी एस थ्री जुड़ा हो, यहाँ से हो या जुड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है, यहाँ हो या जुड़ा हो, यहाँ सी एस थ्री जुड़ा हो, तो ये सब आपके फिनाल हैं, ये सब फिनाल हैं, ये देखेंगे, ये एरोमेटिक तंत्र हैं, ये एरोमेटिक स्पीसीज है, उससे डायरेक्ट क्या है, OH है, यहाँ भी एरोमेटिक है, उससे डायरेक्ट OH, यहाँ भी एरोमेटिक, उसे इससे नहीं मतलब है, क्योंकि हमको एरोमेटिक से डायरेक्ट OH मिलना चाहिए, भले मिथाइल आ गया उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी देखिएगा वही कंडीशन, यहाँ भी वही कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये आपकी क्या है, फिनाल है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखिए ऐसा लिखा हुआ है नीचे की तरफ, नीचे जो एग्जाम्पल लिखा गया है वो ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है, और एक एग्जाम्पल ऐसा लिखा गया है, देखिएगा ऐसा लिखा गया, ठीक है, तो ये आप जो है इसको देख सकते हैं, ये आपका फिनाल है, ये क्या है, फिनाल है, ठीक है, लेकिन ये सब आपके मोनोहाइड्रिक हैं, क्यों, क्योंकि सब में OH ग्रुप एक दिख रहे होंगे, सब में OH ग्रुप एक दिख रहे होंगे, ये सब आपके क्या है, मोनोहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक OH दो कर दीजिए, OH दो करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा डाइहाइड्रिक का, भाई यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिएगा ये देखिए CH2OH और CH2OH, ये आपके डाइहाइड्रिक हो गए, ये आपका क्या है, डाइहाइड्रिक है, ठीक है, अब ये याद रहे कि ये जो डाइहाइड्रिक मिला है, कभी कभी इसका कॉमन नेम पूछ लेता है, ये CH2OH जो लिखा गया है इसका कॉमन नेम क्या है, कभी कभी पूछता है, तो इसको बोलते हैं इथाइलीन ग्लाइकॉल, इथाइलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, ये इथाइलीन ग्लाइकॉल है, ये याद रखिएगा, इथाइलीन ग्लाइकॉल जो होता है वो एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। अब डाइहाइड्रिक फिनाल की बात की जाए तो डाइहाइड्रिक फिनाल आप कुछ नहीं करना है, बस OH समूह को दो कर देना है, ये एक OH हो गया, ये दूसरा OH हो गया, या एक ऐसा हो सकता है, ये एक OH हो गया ऊपर से, एक यहाँ हो गया OH, या ऐसा हो सकता है, एक यहाँ OH हो गया, एक यहाँ OH हो गया, ठीक, तो ये सब आपके डाइहाइड्रिक हैं। अच्छा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल में और भी एग्जांपल, जैसे देखिए CH3, CH, CH3, यहाँ से OH, यहाँ से OH, ये आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, या एग्जांपल में ऐसा हो सकता है CH3, CH, CH, CH3, OH, OH, तो ये आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया, डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, तो इस तरह से ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जांपल हो गए। अब पॉलीहाइड्रिक में क्या होगा, दो से ज़्यादा OH ग्रुप आएगा, जैसे ऐसा हो सकता है, देखिएगा CH3 या CH2 लिखता हूँ, CH2OH, CH2OH और CH2OH, तो ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, ये क्या है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। अब देखिए ये आप जो है डाइहाइड्रिक वाले में जो पोजीशन दिखाई गई है, जैसे ये एक पोजीशन दिखाई गई है फिनाल की, ठीक है, ये पोजीशन दिखाई गई है, इसका सिंपल नेम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कैटिकॉल, ये कैटिकॉल होता है, ठीक है, याद कैसे करेंगे, एक होगा OH जो है पहली पोजीशन से, दूसरा किससे होगा, मेटा से होगा, अगर मेटा से दूसरा OH है तो ये कैटिकॉल है, ठीक है, और इसमें एक देखेंगे आप, दूसरा क्या है, पैरा से है ना, एक कंडीशन में ये पैरा से है, इसको क्यूनॉल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूनॉल, ये क्यूनॉल है, और एक ये जो आपका है ये आर्थो से था, ये मेटा से है, मेटा से है तो इसको क्या बोलेंगे, रिसार्सिनॉल, इसको क्या बोलेंगे, रिसार्सिनॉल, याद रहे कि जो OH मेटा आर्थो पोजिशन से होता है, आर्थो पोजिशन से अगर एक OH आर्थो पोजिशन से आया, ठीक है, तो ये होगा कैटेकॉल, अगर वही OH पैरा पोजीशन से आ गया तो ये क्यूनॉल हो गया,
अगर वही OH मेटा से आ गया तो क्या हो गया, रिसारसिनाल है, सब डाइहाइड्रिक फिनाल ही है, लेकिन सिंपल नेम में ये कैटिकाल है, ये क्यूनाल है, ये रिसारसिनाल है, ठीक है, ये याद रहे। और इसको आप इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं, इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब देखिए ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है, ये क्या है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल ये जो लिखा गया है इसका एक सिंपल नाम भी याद रखिएगा, ग्लिसराल, क्या, ग्लिसराल, ठीक है, तो ग्लिसराल भी नाम इसका याद रखिएगा, ग्लिसराल, ठीक। अब इसमें भी पॉलीहाइड्रिक फिनाल भी होता है, क्या करना है, OH की संख्या 2 से ज़्यादा कर देनी है। OH की संख्या 2 से ज़्यादा मतलब ये देखो, ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है, यहाँ से OH, यहाँ से OH और यहाँ से OH, ये देखिए 2 से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, पॉलीहाइड्रिक फिनाल हो गया। तो ये आप एक तरह से क्लासिफिकेशन कर दिए, जिसका नाम क्या था भाई, OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की आपने दो तीन देखे, एक देखे मोनोहाइड्रिक, एक देखा आपने डाइहाइड्रिक, एक देखा पॉलीहाइड्रिक। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि मोनोहाइड्रिक तब होगा जब OH ग्रुप की संख्या एक होगी। और इसका एग्जांपल देखिए, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2OH, CH3CHOH, CH3, ठीक है, CH3COH, CH3CH3। तो इस तरह से ये आपके सब क्या हो गए, मोनोहाइड्रिक। ये एल्कोहल है बच्चों, ये एल्कोहल है, ध्यान देना, क्यों, क्योंकि बताया गया कि जब एलिफैटिक से होगा कोई OH तो वह एल्कोहल होगा, और जब एरोमेटिक से कोई OH होगा, एरोमेटिक तंत्र के कार्बन से कोई OH जुड़ा होगा, तो वो फिनाल होगा। जैसे बच्चों ये ध्यान दो, यहाँ पर ये फिनाल है, ये भी फिनाल है, ठीक है, इधर लिखा गया है देखो, ये भी फिनाल है, ये भी फिनाल है। इस CH3 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि OH को आपको देखना है, OH बताओ डायरेक्ट इस एरोमेटिक तंत्र से है कि नहीं है, डायरेक्ट एरोमेटिक सिस्टम से है कि नहीं है OH, है ना, तो ये आपका क्या है, फिनाल है, ये क्या है, फिनाल है। और OH ग्रुप की नंबर कितनी है, नंबरिंग में कितना है, एक ही तो है नंबर, OH एक ही तो है, एक है तो क्या है, मोनोहाइड्रिक है, क्या है, मोनोहाइड्रिक, ये भी मोनोहाइड्रिक, ये भी मोनोहाइड्रिक, ठीक है, तो ये सब आपके मोनोहाइड्रिक। बच्चों ये ध्यान दो कि डाइहाइड्रिक क्या होता है, तो डाइहाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप दो होंगे, बच्चों OH ग्रुप कितने होंगे, दो होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा गया CH2OH, CH2OH, एक बच्चों एक बात याद रखिएगा कि CH2OH, CH2OH अगर एडजेसेंट कार्बन से आता है, लगातार कंटिन्यूस कार्बन से 2 OH आता है, तो इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये इसका सिंपल नेम इथाइलिन ग्लाइकॉल है। बाकी इसका IUPAC नोमेनक्लेचर में बताया जाएगा कि इसका IUPAC नेम क्या है, ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पर ये भी आपका क्या है, 2 OH है, तो ये भी आपका क्या हो गया, डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। यहाँ भी ये, इसको देखिए, ये भी आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, 2 OH ग्रुप, OH जो ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, वो 2 है, तो ये डाइहाइड्रिक हो गया। अब ये तो एल्कोहल हो गए, फिनाल की बात की जाए तो ये देखिए, ये आपका फिनाल, ये वाला फिनाल, ये वाला फिनाल, ये सब आपके डाइहाइड्रिक फिनाल हैं। यहाँ याद रखने वाली बात क्या है बच्चों, याद रखने वाली बात ये है कि इसका सिंपल नेम क्या है, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। अगर OH आर्थो पोजीशन से आए तो कैटिकॉल है, अगर एक OH पहला OH तो पहले नंबर से रहेगा, लेकिन उसके कंपेरिजन में अगर दूसरा OH पैरा पोजीशन से आए तो क्यूनाल है, अगर मेटा से आए तो क्या है, रिसारसिनाल है, क्या है, रिसारसिनाल, ठीक है। बाकी IUPAC नेमिंग आपको बताई जाएगी, ठीक। उसके बाद पॉलीहाइड्रिक को समझने की बात आती है, तो पॉलीहाइड्रिक का मतलब जिसमें OH की संख्या, OH ग्रुप की संख्या 2 से ज़्यादा हो जाए, 2 से ज़्यादा हो जाए, जैसे ये देखिए 2 से ज़्यादा है, CH2OH, CH2OH, CH2OH। अब इसका कॉमन नेम जरूर याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम क्या है, ग्लिसराल। कभी कभी ऐसे नेम पूछ सकता है, राइट द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसराल, तो आप ग्लिसराल क्या होता है ये तो पहले जानिए, जब आप जानेंगे ग्लिसराल क्या होता है तभी आप बता पाएंगे उसका IUPAC नेमिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लिसराल, और ये आपका एल्कोहल है, इसके कंपेरिजन में ये क्या है, आपका फिनाल है, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक आधार देख लिया, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल तथा फिनाल का वर्गीकरण, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब बता रहा हूँ कि सी सिंगल बॉन्ड OH जो इसका संकर होता है इसके आधार पर, और कौन से कार्बन का संकर देखना है भाई,
कौन से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा? ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा, ऐसे कार्बन का संकरण देखा जाएगा जो OH ग्रुप से जुड़ा होगा, किसी भी कार्बन का नहीं देख सकते हम। ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे जो OH ग्रुप से जुड़ा होगा। अब मैंने कहा कि कार्बन की संकरण की पॉसिबिलिटी तीन है, या तो कार्बन का संकरण sp3 हो जाए, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे या तो sp2 हो जाए, और तीसरा क्या हो जाए, तीसरा जो है sp हो जाए। क्या हो जाए? sp हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा देखेंगे जिसमें संकरण के आधार पर करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिख रहे हैं संकरण के आधार पर, क्या लिख रहे हैं? संकरण के आधार पर। ठीक है, सी सिंगल बॉन्ड OH, संकरण के आधार पर। अब संकरण के आधार पर तीन होंगे क्योंकि कार्बन के तीन संकरण की पॉसिबिलिटी है। पहला है जब जो है संकरण क्या हो, sp3 हो। ठीक है, ऐसे यौगिक होंगे, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें क्या होगा, sp3 संकरण होगा। क्या होगा? sp3 संकरण, सी sp3 संकरण वाला होगा। ठीक है, सी sp3 संकरण उपस्थित हो, आबंध उपस्थित हो, यानी हम ऐसा अल्कोहल लेंगे या, ठीक है, हाँ ऐसा अल्कोहल लेंगे। याद रखिएगा अल्कोहल ही केवल sp3 संकरण हो सकता है, फिनाइल नहीं होता इसमें। हम ऐसा अल्कोहल लेंगे, ठीक है, जिसका जिसका जो है संकरण क्या होगा, sp3 होगा। क्या होगा? sp3 होगा। ठीक है ना, तो अब देखिएगा sp3 संकरण हम कैसे ले सकते हैं भाई। तो sp3 संकरण में तीन होते हैं, एक होता है प्राइमरी जिसको हम प्राथमिक बोलते हैं, एक होता है सेकेंडरी जिसको हम द्वितीयक बोलते हैं, और एक होता है टर्सरी जिसको हम क्या बोलते हैं, तृतीयक। प्राइमरी का मतलब ये होगा हम इसमें कार्बन की डिग्री देखेंगे, अगर कार्बन की डिग्री 1 है तो वो प्राइमरी है, 2 है तो वो सेकेंडरी है, 3 है तो वो टर्सरी है। 1 है तो प्राइमरी, 2 है तो सेकेंडरी, और 3 है तो टर्सरी। जैसे देखिए, मान लीजिए ऐसा मिल गया CH3 CH2 OH। अब बताइए यहाँ पे आप किसका संकरण देखेंगे, इस कार्बन का। बताओ इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3 है। क्या है? sp3 है। दूसरी बात ये देखिए कि इस कार्बन की डिग्री कितनी है, तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन और जुड़ा है, तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसको हम 1 डिग्री बोल दें या क्या बोल दें, प्राइमरी बोल दें। क्या बोल दें? प्राइमरी। तो ये आपका प्राइमरी है, दूसरा ये भी प्राइमरी है। यहाँ नीचे एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये भी देखिएगा CH3 CH2 CH2 OH। ये देखिए, इसको पहचानिए। तो इसका संकरण देखेंगे, संकरण क्या है भाई, sp3 है। दूसरी बात, इस कार्बन से डायरेक्ट और कितने कार्बन है, तो एक ही कार्बन, ये तो पड़ोसी वाला कार्बन है, ये पड़ोसी वाला नहीं काम चलाएगा, ये केवल डायरेक्ट वाला चलाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया, इसको भी क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। अब सेकेंडरी की बात की जाएगी, तो सेकेंडरी में डिग्री कार्बन की कितनी होगी भाई, 2 होगी। जैसे ये देखिए CH3 CH OH CH3 OH जिससे जुड़ा है उसका संकरण देखिए उस कार्बन का, तो इस कार्बन का संकरण क्या है भाई, इस कार्बन का संकरण है sp3। क्या है? sp3। बताओ इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है तो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। तो ये आपका सेकेंडरी। टर्सरी की बात की जाए तो टर्सरी कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे COH CH3 और यहाँ से CH3। अब बताओ इसका संकरण, sp3 ही संकरण है इसका, इसकी डिग्री बताओ 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो क्या होगा, टर्सरी होगा। तो याद रहे यौगिक जिनमें sp3 संकरण होते हैं तीन प्रकार के, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। प्राइमरी की पहचान कैसे करना है भाई, आपको OH पकड़ना है, किसको पकड़ना है, OH पकड़ना है, OH से जो कार्बन होगा उससे डायरेक्ट कितने कार्बन है, उससे डायरेक्ट अगर एक कार्बन है तो वो क्या होगा, प्राइमरी होगा। अगर 2 कार्बन है तो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। अगर 3 कार्बन है तो क्या होगा, टर्सरी होगा। तो ये होता है प्राइमरी
सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, यानी कि SP3 के आधार पर आपने तीन एल्कोहल देखा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी को हम 1 डिग्री बोलते हैं, प्राइमरी को हम 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी को हम 2 डिग्री बोलते हैं, और टर्सरी को हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री बोलते हैं। ठीक, तो ये तो एक कंडीशन हुई, संकर क्या था, SP3 था, उसको हमने किस में बांटा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में। अब याद रहे संकरण SP3 ही रहेगा, लेकिन इसका दूसरा पार्ट आएगा, एक पार्ट ये हुआ, इसका अगला पार्ट आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलाइलिक। तो याद रहे एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है, इसको ध्यान से देखा जाए, एलाइलिक का मतलब ये है कि कार्बन का संकरण तो SP3 ही रहेगा, क्योंकि अभी SP3 ही चल रहा है, लेकिन जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा उसके तुरंत बाद वाला कार्बन, उसके तुरंत बाद कार्बन से, उसके एडजेसेंट कार्बन से क्या आएगा, डबल बॉन्ड, जैसे ये वाला एलाइलिक है CH2CH CH2OH। बताओ इसका संकरण क्या है, इसका संकरण SP3 है। बताओ इस कार्बन से तुरंत डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया, तुरंत अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ये एलाइलिक हो गया, ये क्या हो गया, एलाइलिक। इसका मतलब ये एल्कोहल कैसा है, एलाइलिक है। अब इसमें भी देखिए डिग्री होती है, अब एलाइलिक वाले में भी डिग्री होती है, आप इसमें भी डिग्री देखें तो इसमें भी डिग्री होगी, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी होगा। अब बताओ इस कार्बन की डिग्री क्या है, इस कार्बन की डिग्री 1 है कि नहीं है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइमरी है, ये क्या है, प्राइमरी है, प्राइमरी है। इसका सेकेंडरी पार्ट कैसे बनेगा भाई, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH OH, CH3, ये देखिए। बताओ ये जो है आपका SP3 संकरण वाला है कि नहीं है, अब बताओ इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी, और सेकेंडरी है और साथ में क्या है, एलाइलिक है। क्यों, क्योंकि उसके तुरंत बाद वाले कार्बन से क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये एलाइलिक है। टर्सरी भी होगा, टर्सरी भी होगा कैसे भाई, CH2 CH CO CH3 CH3, ये देखिए ये एलाइलिक पोजीशन है, ये OH है, इस कार्बन की डिग्री बताइए तो ये 3 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, टर्सरी हो गया, क्या हो गया, टर्सरी। इसका मतलब एलाइलिक भी प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है और टर्सरी भी होता है। एलाइलिक की पहचान बताइए, एलाइलिक की, बच्चों एलाइलिक की पहचान क्या है, कहेंगे सर OH का OH समूह, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके तुरंत बाद कार्बन से डबल बॉन्ड आ जाए, उसके तुरंत बाद कार्बन से क्या हो जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, उसके तुरंत बाद कार्बन से डबल बॉन्ड आता है तो उसको एलाइलिक बोलते हैं। बच्चों उसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक बोलते हैं। आप बताइए सर एलाइलिक कितने प्रकार के होते हैं, तो एलाइलिक 3 होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्सरी होते हैं। इसका मतलब SP3 संकरण पर अभी तक आपने 2 एल्कोहल देखा, एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सामान्य एल्कोहल देखा और एक आपने एलाइलिक देखा। तीसरा एक और होता है, तीसरा एक और होता है, वह क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये तो आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी देख लिए, आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, ये आपका प्राइमरी एग्जाम्पल है, ये सेकेंडरी एग्जाम्पल है, ये टर्सरी एग्जाम्पल है। एलाइलिक का ये प्राइमरी एग्जाम्पल है, ये सेकेंडरी एग्जाम्पल है, ये टर्सरी एग्जाम्पल है, ठीक है, ये तीनों। अब एक होता है बेंजाइलिक, ये क्या होता है, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग होगी, उसके बाद कार्बन होगा, उसके बाद OH होगा, लेकिन संकरण क्या होता, संकरण क्या होना चाहिए, SP3 ही। बच्चों याद रहे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं लेकिन SP3 के आधार पर कर रहे हैं, इसका मतलब हर जगह संकरण कितना आना चाहिए, SP3। तो SP3 में 3 मिलेगा, एक तो सामान्य एल्कोहल मिलेगा जिसको हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में बांटे, दूसरा हमको क्या मिला, एलाइलिक मिला, और तीसरा क्या मिला हमको, बेंजिलिक। तो ये 3 याद रखेंगे, SP3 संकरण में 3 होते भी हैं, ठीक है, एक होता है जो सामान प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी होता है, ठीक है, और दूसरा होता है एलाइलिक, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी होता है, और तीसरा होता है बेंजाइलिक, तीसरा क्या होता है, बेंजाइलिक, ठीक है। चलिए देखिए अब बेंजाइलिक की कैसे पहचान होगी भाई, बेंजाइलिक में भी क्या हम नोट करेंगे, क्या हमारा पॉइंट बनेगा, देखिएगा। तो बेंजाइलिक का मतलब ये है कि इसमें जो है ये SP3 के आधार पर आप देखे हैं COH SP3 संकरण, संकरण क्या आया, SP3। इसमें 3 आपने देखा, एक आपने देखा जो सामान्य एल्कोहल हुआ, जो क्या हुआ, सामान्य एल्कोहल हुआ, ठीक है, जिसको हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में केवल देखा,
जिसको हमने किसमें देखा भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में देखा, ठीक है टर्सरी। उसके बाद दूसरा हमने देखा एलाइलिक, क्या देखा एलाइलिक को भी तीन पार्ट में हमने करके देखा, प्राइमरी देखा, सेकेंडरी देखा और टर्सरी को देखा। एलाइलिक की पहचान क्या बताई गई भाई, एलाइलिक की पहचान बताई गई कि OH जो होगा उसके बाद वाले कार्बन से क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये संकरण तो वही आना चाहिए, ठीक है ये हो गया। उसके बाद तीसरा एंड लास्ट होगा बेंजाइलिक, क्या होगा बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन रिंग, उसके बाद कार्बन और उसके बाद क्या होगा एल्कोहल होगा, जैसे ये देखिए उसके बाद OH होगा, ये बेंजीन रिंग है, ये कार्बन है, उसके बाद OH, इसको क्या बोलेंगे बेंजाइलिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेंजाइलिक, ठीक है। अब ये भी तीन प्रकार के होंगे, है तो ये बेंजाइलिक, लेकिन बेंजाइलिक भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी देखिए कुछ इस तरह का, कार्बन की डिग्री एक होनी चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे जो लिखा है वो प्राइमरी ही लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ये आपका प्राइमरी ही है, डिग्री देखिए तो, और संकर देखिए तो कार्बन का sp3 ही होगा। दूसरा होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी कुछ इस तरह से दिखने वाला है, बच्चों ध्यान दो, सेकेंडरी ऐसा होगा, सेकेंडरी ऐसा होगा, ये आपका हो गया सेकेंडरी, ये क्या हो गया सेकेंडरी, ये आपका सेकेंडरी हो गया, क्या हो गया सेकेंडरी। डिग्री देख लीजिए कार्बन की, ये हो गया आपका 1 डिग्री, या इसी को प्राइमरी बोल दीजिए, ये हो गया सेकेंडरी, या इसी को 2 डिग्री बोल दीजिए। एक होगा टर्सरी, क्या होगा टर्सरी, टर्सरी कैसे होगा भाई, टर्सरी बच्चों इस तरह से दिखने वाला है, ये आपका हुआ टर्सरी, ये क्या हुआ टर्सरी। यहाँ पर कार्बन की डिग्री देख के बताएं बच्चों, तो यहाँ पर कार्बन की डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे सर ये कार्बन की डिग्री 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे टर्सरी बोलेंगे। समझ में आया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, यानी बेंजाइलिक भी 3 होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो sp3 के आधार पर एल्कोहल 3 होते हैं, एक सामान्य प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी होता है, दूसरा एलाइलिक होता है, तीसरा बेंजाइलिक होता है। एलाइलिक में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है और बेंजाइलिक में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी देखने के लिए हम केवल कार्बन की डिग्री को देखते हैं, और कौन से कार्बन की, जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा उस कार्बन की डिग्री देखेंगे। समझ में आया। अब डिग्री देखने के लिए या संकरण देखने के लिए मैंने पहले लेक्चर चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, उस लेक्चर को जरूर देखें। वहां पर आपको संकरण एक काम जितने से चल सकता है उतना बताया गया है संकरण के बारे में, ठीक है। संकरण कैसे पता करते हैं, जितने से काम चल सकता है आपका उतना बता दिया गया। वैसे संकरण एक पूरी टॉपिक है, हम संकरण जब पढ़ते हैं तो वहां पर संकरण क्या होता है इसको देखते हैं, संकरण कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको देखते हैं, संकरण से हम किस तरह ज्यामिट्री उसकी डिफाइन करते हैं, किस तरह उसकी ज्यामिति डिफाइन करते हैं, ठीक है इसको देखते हैं भाई, ठीक है। तो संकरण वैसे एक स्पेशल टॉपिक पूरी है, ठीक, लेकिन हम मोटी तौर से एक संकरण को कैसे निकालते हैं ये बताया गया उसमें, आप उसको जरूर देखें अगर संकरण आप सीखना चाहते हैं तो। कम समय में काम चलाऊं आप देख सकते हैं वहां पे, बाकी संकरण का पूरा टॉपिक पढ़ना है तो आप संकरण के पूरे टॉपिक को सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो sp3 के आधार पर हो गया, ये पहला हुआ sp3 के आधार पर, ठीक है संकरण में ये पहला है sp3। अब दूसरा है जब कार्बन की डिग्री क्या हो भाई, जब कार्बन का संकरण क्या हो sp2 हो, जब कार्बन का संकरण क्या हो sp2 हो, यानी कि आपने कार्बन के संकरण को देख लिया, इसमें 3 देखा आपने, ठीक है, एक सामान देखा, एक प्राइमरी देखा, एक टर्सरी देखा। अब क्या होगा, यौगिक जिसमें COH संकरण क्या हो,
SP2 संकरण उपस्थित हो। कंपाउंड्स कंटेनिंग सी बॉन्ड OH SP2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें संकरण क्या हो, SP2 उपस्थित हो। ठीक है, अब देखिए SP2 वाले में वैसे आपको दो मिलेंगे। कितने मिलेंगे, दो। कौन कौन से भाई? एक मिलेगा विनाइलिक, क्या मिलेगा, विनाइलिक। एक विनाइलिक होता है, ठीक है, विनाइलिक स्पेलिंग देखिएगा, VNYLLIC, विनाइलिक एल्कोहल। और दूसरा होता है फिनाल। मैंने अभी कहा था कि फिनाल एक SP2 हाइब्रिडाइजेशन वाला एल्कोहल है, ठीक है। विनाइलिक की पहचान क्या होगी, विनाइलिक की पहचान होगी कि जिससे OH जुड़ा होगा वह कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। एलाइलिक की पहचान क्या है, जिससे OH जुड़ा है उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड। विनाइलिक की पहचान क्या है, जिससे OH जुड़ा है वही कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। जैसे ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, ये आपका विनाइलिक है। अब याद रहे यह जो विनाइलिक है ये आपका प्राइमरी है, या इसी को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। ये सेकेंडरी भी हो सकता है, ऐसा CH2 डबल बॉन्ड COH, यहाँ से CH3 जोड़ दीजिए। अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया सेकेंडरी, ये क्या हो गया सेकेंडरी। इसमें टर्सरी नहीं होगा क्योंकि अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है, इससे कम नहीं होगी, सभी हाइड्रोजन हट चुके हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी होगी, ठीक। और फिनाल, हाँ, संकर देखिए, किसका संकर देखेंगे भाई, जिससे वही जुड़ा है, बताओ संकर क्या है, SP2 है, यहाँ संकर बताओ SP2 है, ठीक है। फिनाल में फिनाल भी होता है, तो फिनाल वाला भी याद रखिएगा। अच्छा, ये विनाइलिक हो गया, विनाइलिक देखिए ऐसा भी हो सकता है विनाइलिक ऐसे भी आ जाए, कहीं आपको देखने को मिल गया तो कहेंगे कि इस तरह का बताया नहीं गया था, ठीक है, यहाँ से OH आ गया, तो बताओ इस कार्बन का संकरण क्या है, SP2 है, बताओ तुरंत डबल बॉन्डेड है कि नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, विनाइलिक है, क्या है, विनाइलिक है, ठीक है। अब फिनाल तो आप जानते ही हैं ना, बताइए इस कार्बन का संकरण क्या है, SP2 है, तो ये क्या होगा, आपका फिनाल हो गया, ठीक। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन दो हो गए, ठीक है, संकरण के आधार पर, जिसमें दो बताए गए, एक SP3 बताया गया, SP2 बताया गया। SP3 में तीन होते हैं, एक सिंपल होता है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है, एक एलाइलिक होता है, दूसरा विनाइलिक होता है, ठीक है। इसमें दो होता है, विनाइलिक और फिनाल, विनाइलिक एल्कोहल और फिनाइलिक एल्कोहल, ठीक है, ये भी एक तरह का एल्कोहल ही है, फिनाल लास्ट है, उसके बाद टॉपिक आपकी आज का टारगेट पूरा हो जाएगा। लास्ट है यौगिक जिसमें संकरण क्या होगा, SP होगा, क्या होगा, SP संकरण, SP हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है कार्बन का, तो उसको भी नोट कर लीजिए। यौगिक जिसमें COH संकरण क्या हो, SP उपस्थित हो, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन का वो क्या हो भाई, SP हो। जैसे एक ही होता है इसमें, सिंपली क्या हो सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड COH, ठीक है। अब इसका संकरण देखिए तो क्या आएगा, SP आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो ये एक होता है, बस आप जो है क्लासिफिकेशन पूरा कर लिए, जिसमें आपने OH नंबर के आधार पर देखा, संकरण के आधार पर देखा, संकरण में आपने SP3 देखा, SP2 देखा, SP देखा, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन आपका पूरा हुआ एल्कोहल फिनाल इथर का। आज के लेक्चर में बस यहीं तक, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे नए जोश नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको बताया जाएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल।
एल्कोहल और फिनाइल के IPC नमल क्रेचर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।